तो बात करते हैं बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड की। तो कल क्या हुआ कि एल्विस और अविनाश के बीच बहुत ही सीरियस फाइट हो गई। तो बेसिकली जब से एल्विस बिग बॉस में आए हैं तब से वो अविनाश को पोक कर रहे हैं। एंड उससे पहले एक टास्क था जिसमें एल्विस ने अविनाश को रोस्ट भी कर दिया था। और जब एल्विस और बेबिका किचन के सामने बैठे बात कर रहे थे एंड अविनाश वहां से क्रॉस कर रहे थे, तो उन्हें शायद ये लगा कि एल्विस उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो अविनाश सीधा एल्विस के पास जाता और कहता है कि भाई मेरा नाम क्यों ले रहा है, तू पीठ पीछे क्यों बात कर रहा है, जो बोलना है डायरेक्टली बोल मेरे मुंह पे, दो दिन से देख रहा हूं लगा पड़ा है। तो एल्विस भी बोलते हैं भाई मैं तेरे बारे में बात ही नहीं कर रहा था, हम लोग सब्जी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। एंड तभी बेबिका भी कहते हैं कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट अविनाश नहीं सुन रहा था और बोले जा रहा था नहीं तू मेरे बारे में ही बात कर रहा था। फिर फुकरा इंसान भी आकर बोले नहीं भाई मैं वही था, उसने तेरे बारे में कुछ भी नहीं बोला। बट अब एल्विस भी काफी गुस्से में आ गए थे, वो बोले कि चुगली मैं नहीं तू कर रहा था, बाहर से देख के आया हूं, तेरे को आज के कोटा का फुटेज चाहिए चल ले ले, लड़ाई कर ले फुटेज दे देता हूं तेरे को। एंड इसी बीच तभी एल्विस उन्हें बेवकूफ का बच्चा कह देते हैं और ये सुनने के बाद अविनाश और ज्यादा गुस्सा हो गए और बोलने लगे कि बाप पे क्यों जा रहा है, बाप पे मत जा। बट एल्विस यादव फिर भी उन्हें 3-4 बार और बेवकूफ का बच्चा बोल देते हैं। बट थोड़ी देर बाद उनकी फाइट रुक गई और अविनाश बाहर चले गए। बट ये फाइट के बाद एल्विस यादव और फुकरा इंसान का एक बहुत ही डीप कन्वर्जेशन हुआ, जहां पर अभिषेक बोले कि भाई ये बहुत दिनों का आउटबर्स्ट था और मैं ये एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि कभी ना कभी इसका गुस्सा निकलेगा ही। तो एल्विस बोलते हैं मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मजा आता है, और जो मैंने इसे बेवकूफ का बच्चा बोला वो तो नॉर्मल हमारे बीच, मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था, अगर मुझे बोलना होता उसके बाप के बारे में तो मुझे बहुत अच्छी गाली आती है, मैं उसे सुना देता, बट मैं क्यों कहूँ फालतू में किसी के बाप के बारे में, मैं जब जानता ही नहीं। बट फुकरा इंसान उसको कहते हैं कि मैं या तुम्हारे अपने वो इस बात को समझ जाएंगे कि तुम्हारा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था पेरेंट्स के ऊपर बोलने का, पर बाहर वाले लोगों के बारे में सोचो, वो आपको देखकर आपके बारे में क्या सोचेंगे। एंड फुकरा इंसान उसको समझाए कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। तो एल्विस फुकरा इंसान से कहते हैं कि चल बोल तुझे क्या लगता है मैं 30% सही और 70% गलत था। तो अभिषेक बोले हाँ, फिर वो थोड़ा हंसने लगे और बोले अपने ही लोग पराए हो गए यार बिग बॉस में। बट थोड़ी ही देर बाद एल्विस फुकरा इंसान के पास जाकर ये बोले कि एक बात बोलूं सीरियस, कि अगर तू मेरी जगह होता ना और तू 100% भी गलत होता तो मैं तुझे ही सही बोलता, तेरा साथ देता, चाहे बाकी लोग जो बोलते मैं तेरे साथ खड़ा रहता। एंड आल्सो एल्विस के फैन की तरफ से अविनाश के सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हेट जा रहा है। एंड लक्ष्य भी ट्वीट करके बोले कि अविनाश तो सच्ची में फट्टू है, 10 मिनट में सिस्टम हैंग हो गया, कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। बट एनीवेज अविनाश को इस फाइट में काफी नुकसान तो हुआ ही होगा, बट एक फायदा जरूर हुआ। एंड इसको पॉइंट आउट करते हुए मनीषा बताई कि इस वीक मेरे को लग रहा था कि अविनाश अब घर चला जाएगा, बट आफ्टर दिस फाइट लोग अब चाहेंगे कि वो एल्विस से और लड़े और एंटरटेनमेंट मिले, अब मेरे को नहीं लगता कि अविनाश जाएगा, आई थिंक इस वीक फलक जाएगी। एंड इस चीज से एग्री भी किए फुकरा इंसान। एंड जैसा कि आप जानते हैं कल वीकेंड का वार था बिग बॉस में, तो उसमें कल सलमान भाई नहीं आते होस्ट करने बल्कि कृष्णा आते हैं। तो कल कृष्णा अविनाश को एक शॉल देते हैं और कहते हैं कि एल्विस को पहना दो और उसे थैंक यू बोलो, जिसके बाद कृष्णा बोले कि गैस करो ये क्यों दिया है, तो वो बोले कि एल्विस ने सोते हुए शेर को जगा दिया, जिस पर एल्विस बोलते हैं कि सर मैंने सोते हुए शेर को नहीं भीगी बिल्ली को लात मारा है। तो आज के अपडेट बस यहीं तक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।